हेलो दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस इस सीरीज में वापस से आते हैं। इस सीरीज की अब आपको कुछ वीडियोस रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप इशिहारा प्लेट्स को कुछ अच्छे तरीके से जान पाएंगे। लास्ट कुछ टाइम से मैं आपको कलर विजन के ऊपर कोई भी वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। आप सब काफी बार कमेंट में मेरे को लिख चुके हैं कि आपको और वीडियोस जानना है, और वीडियोस चाहिए जिससे कि आप इशिहारा बुक को और अच्छी तरीके से समझ सके। लास्ट एक लंबे समय तक मैंने इस पर काफी काम किया है, तो उस काम के बेसिस पर मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट भी किए हैं और मैंने कुछ और नए तथ्यों को जाना है इस इशिहारा की किताब के बारे में। तो आज से जो सीरीज शुरू हो रही है, इसमें आपको इशिहारा के हर प्लेट्स के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और रेगुलरली फॉलो करते रहें हमारे वीडियोस को। इशिहारा के हर पेज को हम लोग बहुत इन डेप्थ जानेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट प्लेट ऑफ इशिहारा पे आ जाते हैं। इशिहारा बुक, ये इसका सबसे पहला पेज है। आज मैं इसको डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ कारणों की वजह से। आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पूरी इशिहारा बुक किस कॉन्सेप्ट पे बनी है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट पेज से, तो आप देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। ट्वेल्व। अब इसको पहले समझते हैं ये बुक कैसे बनी होगी। पहले देखिए, एक ये बड़ा साइज का डॉट है, एक उससे थोड़ा छोटा साइज का डॉट है, एक उससे भी छोटा साइज का डॉट है, और एक उससे छोटा साइज का और एकदम छोटा। तो ये कुछ साइज ऑफ डॉट्स हैं। ऐसे ही ये पूरे पेज पे डॉट्स को डाल दिया गया था। डालने के बाद ऊपर से सुपर इम्पोज किया गया एक नंबर को। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नंबर लीनियर पैटर्न, जो करेक्ट जो लीनियर पैटर्न ऑफ नंबर होता है, वैसे नहीं लिखा हुआ। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। मतलब क्या बताने का है इस पेज का, कि इशिहारा प्लेट में कभी भी नंबर डायरेक्ट ऐसे 1, 2, 12 नहीं लिखा हुआ। जैसे कि हम अपने पेपर पे, अगर आपको अभी 1, 2, 12 लिखना है, तो आप एक पेपर लेंगे और उसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। तो इशिहारा बुक में ये कॉन्सेप्ट पे नंबर्स नहीं है। अभी के टाइम में ये पॉसिबल है कि आप इशिहारा प्लेट को पहले से देख पाते हैं, लेकिन पहले के टाइम में आप ये इशिहारा प्लेट को फर्स्ट टाइम मेडिकल टेबल पे ही देख पाते थे। तो आपसे पूछा जाता था क्या नंबर लिखा हुआ है, तो पेशेंट को पता ही नहीं होता था कि नंबर एक्चुअली कैसे लिखा है, बिकॉज हम रेगुलर में नंबर को एक लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ देखने के आदि हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन में पेशेंट फेल हो जाता था, पर आज आपके पास एक्सेस है इस किताब का, तो आपको समझ में आता है कि नंबर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कलर डॉट्स है, ये एक स्पेसिफिक कलर का डॉट्स है, ये एक दूसरे स्पेसिफिक कलर का डॉट्स है। तो कलर के डॉट्स डिफरेंट होने की वजह से ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए ये 2 दिख रहा है, ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करके 1 दिख रहा है। ये है इशिहारा का कॉन्सेप्ट। अब ये सबसे पहला पेज है, इसको मैंने क्यों चुना आपको बताने के लिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड का, थ्रू आउट बैकग्राउंड का कलर एक ही है, और यहाँ जो नंबर पे जो कलर है थ्रू आउट एक ही है। तो ये 1 स्पेसिफिक कलर ये है और 1 स्पेसिफिक कलर ये है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस नहीं है। और ये पेज हर व्यक्ति को दिखाई देगा, चाहे वो टोटल कलर ब्लाइंड हो तो भी। पहले के टाइम में जब इशिहारा का जब टेस्ट होता था, तो पेशेंट को ये सबसे पहले ये पेज दिखाया जाता था। जब वो बुक को बहुत सारे जगह पे ये पहले दिखाया जाता था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि अंदर नंबर्स कैसे हैं। पर हर व्यक्ति या हर सेंटर या हर मेडिकल टेबल पे ये प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता है कि हर पेशेंट को ये दिखा के बताया जाए कि ये इशिहारा के प्लेट है और अंदर इसी तरीके के नंबर्स हैं तो आपको बताने हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होता,
वो अज्यूम कर लेते हैं कि आपको पता है, उनके लिए वो डेली का उनका काम है, बट आपके लिए आप फर्स्ट टाइम जब मेडिकल टेबल पे बैठे हैं तो फर्स्ट टाइम आप ऐसे लिखे हुए नंबर से एक्सपोज होते हैं, तो काफ़ी बार आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये पेज मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये समझाने के लिए कि इशिहारा बुक टोटली कैसी है। अगले वीडियो में हम लोग एक्चुअल जो प्लेट्स है जो आपको मेडिकल टेबल में पूछा जाएगा उसको बताएंगे आपको। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ एक अहम जानकारियां मिली होंगी इस प्लेट के बारे में, और वो हो सकता है आपके कुछ काम भी आए। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करें, तो आपको इशिहारा का कंप्लीट बुक, हर एक पेज का एक स्पेसिफिक एनालिसिस और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो आप इस सीरीज को फॉलो करते रहें और उम्मीद है कि आप सब अपने मेडिकल में अच्छे पोस्ट को पा जाएं, जो आपका उद्देश्य है, जो जॉब के लिए आप तैयारी किए वो जॉब आपको मिले। एटलीस्ट कलर विजन के लिए आप अपने जॉब को खो दें, ऐसा मैं नहीं चाहती। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये जरूर जानकारी मिलेगी कि आपको कलर डिफेक्ट है कि नहीं है, और अगर है तो आप उसका कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं, या आपको जॉब चेंज करना चाहिए। ये सारी जानकारी धीरे धीरे जब हम सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको जरूर एक आइडिया मिलेगा कि आपके लिए क्या सही है। धन्यवाद।